नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ रोहित। इस वक्त भारत लगातार G20 की बैठक की तैयारियों में लगा हुआ है और पाकिस्तान इसी वजह से बौखलाया हुआ है। जिस तरीके से पुंछ में आतंकवादी हमले को अंजाम दिया गया, उससे साफ समझ आ रहा है कि पाकिस्तान की आर्मी और आतंकवादी संगठन भारत और पाकिस्तान के बीच कुछ भी सुधरने नहीं देना चाहते हैं। इसीलिए जैसे ही बिलावल भुट्टो की भारत आने की बात हुई, उसके बाद ही ये आतंकी हमले को अंजाम दिया गया। वहीं अब इसी बीच भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान को खूब जमकर लताड़ लगाई है और बिलावल भुट्टो के भारत आने को लेकर भी उन्होंने बड़ी बात कही है। आपको बता दें कि भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर इस वक्त पनामा के दौरे पर हैं, जहां पर वो लगातार बयान दे रहे हैं और पाकिस्तान को खरी खोटी सुना रहे हैं। इसी कड़ी में अब उन्होंने पाकिस्तान की जिस तरीके से तीखे शब्दों में आलोचना की है, उसकी हर तरफ चर्चा हो रही है। आपको बता दें कि भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपने बयान में पाकिस्तान को लेकर कहा, हमारे लिए एक ऐसे पड़ोसी के साथ संपर्क बनाए रखना काफी मुश्किल हो जाता है जो सीमा पार आतंकवाद को बढ़ावा देने में शामिल है। हमने हमेशा कहा है कि उन्हें अपने उस वादे को पूरा करना होगा जो आतंकवाद को समर्थन ना देने और सीमा पर आतंकवाद को बंद करने से जुड़ा है। जब बिलावल संघाई को ऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन सम्मेलन में मौजूद होंगे तो उन्हें आतंकवाद पर भारत की तरफ से काफी कुछ सुनना होगा। तो यश जयशंकर ने यह बड़ा बयान दिया है और साफ तौर पर बता दिया है कि वो आतंकवाद को पालने वाले पाकिस्तान से कोई भी रिश्ता नहीं रखना चाहते। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि बिलावल भुट्टो जब संघाई को ऑपरेशन की बैठक में आएंगे, तब उन्हें भारत की बात सुननी होगी आतंकवाद के मुद्दों पर और भारत कड़ी प्रतिक्रिया दर्ज करेगा। आपको बता दें कि जब से धारा 370 हटाई गई है, उसके बाद से ही पाकिस्तान पूरी तरीके से बौखलाया हुआ है और लगातार भारत को दहलाने की कोशिश करता रहा। घाटी में वो तमाम आतंकी हमलों को अंजाम देता रहा। इसी कड़ी में उसने अभी पुंछ में भी हाल में आतंकी हमला किया था, जिसके बाद भारत सरकार ने पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी दी है और यश जयशंकर ने साफ कर दिया है कि आतंकवाद को पालने वाले पाकिस्तान से कोई भी रिश्ता नहीं रखा जा सकता है। आपको बता दें कि पाकिस्तान के हालात इस वक्त बेहद खराब है। वहां पर जनता त्राहिमाम कर रही है, दाने दाने के लिए लोग मोहताज हैं, आटे चावल दाल के लिए लोगों को जान गंवानी पड़ रही है, दो वक्त की रोटी नहीं नसीब है। पाकिस्तान में महंगाई अपने चरम पर है। ऐसे में शहबाज शरीफ दुनिया भर के देश से भीख मांग रहे हैं, लेकिन कोई भी उन्हें लोन देने के लिए तैयार नहीं है। यहां तक कि IMF ने भी पाकिस्तान से मुंह फेर लिया है और वो पाकिस्तान को लोन नहीं देना चाहता है। इस बीच सऊदी अरब और चीन ने थोड़ी बहुत मदद भले पाकिस्तान को दी है, लेकिन उस मदद से पाकिस्तान कितने दिन जिंदा रह पाएगा ये भी देखना होगा। बहरहाल पाकिस्तान आगे क्या कुछ कदम उठाता है भारत के इस बयान के बाद, और यश जयशंकर ने जिस तरीके से बिलावल भुट्टो को कड़ी फटकार लगाई है और साफ तौर पर कहा है कि पाकिस्तान जो कि आतंकवाद को पालता है, उसके साथ भारत रिश्ते नहीं रख सकता है, और जब SCO की बैठक में बिलावल आएंगे तो इस मुद्दे को उठाया जाएगा और उन्हें भारत की बात सुननी पड़ेगी। इसको लेकर आपका क्या कुछ फिलहाल कहना है, अपनी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं।